लेकिन लीड नहीं आया यार। काम बड़े बड़े पिक्चर में किया लेकिन लीड नहीं। This is an extremely privileged podium to me, and I'm very, very humble. You know, I believe in every business, or you know, contribute to the business. In this case, for actors, when we go global, I think it's a great thing. I would say, for example, when our IT companies, Indian IT companies, when they went to Google and they signed JVs with the international companies, or for that matter, IT professionals when they started working in the US, the entire IT sector of our industry in progress, it gave rise to companies like Infosys, Wipro. So anybody that goes global, it gives boost to our Indian economy. For that matter, when production houses, we go and sign deals with international studios, actors that go global, we are creating wealth in our own country. When we are creating wealth in our own country, we do investments in our sector. So I think eventually it gives boost to the entire GDP of the country. So I think anything that goes globally is benefiting in India and its economy. भारत वर्ल्ड पांचवें नंबर की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के साथ साथ फाइव बिलियन इकोनॉमी का सपना था। पर यह सपना सच में जमीन पर उतारने के लिए जो विजन चाहिए, जो एक्शन चाहिए, वो इस देश के लीडरशिप में है, नरेंद्र मोदी जी में। इसलिए दिस इज नॉट लिमिटेड अप टू इंडिया, पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय। और इसके कई उदाहरण हम देखते हैं। जब से मोदी जी ने देश की कमान संभाली, सबसे पहले देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इफिशियंसी बढ़ेगी, इफिशियंसी बढ़ेगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री के साथ लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ इनकम बढ़ेगा, इनकम के साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ उनका टैक्सेशन बढ़ेगा और देश का इनकम बढ़ेगा। यह सब सर्कल मोदी जी के कार्यकाल में पूरा हो रहा है। और इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ कि कई बातें ऐसी हैं कि जिन्होंने ने परिवर्तन लाया इस देश। इसलिए आज फाइव बिलियन इकोनॉमी ये सपना नहीं है, ये रियलिटी होने बनने जा रही है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देश का सबसे बड़ा मेन सेक्टर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स एंड हाईवे। मोदी जी आने के पहले 50,000 करोड़ रुपए का बजट था रोड्स एंड हाईवे का, आज 2,50,000 करोड़ का 5 गुना ज्यादा हो गया। हाईवे स्टेशन में 2014 में जब मोदी जी ने देश का कार्यभार अपने हाथ में लिया, 90,000 किलोमीटर हाईवे से आज 1,50,000 किलोमीटर के हाईवे हमारे वर्किंग है। हमारा पहला ये रोड बनाने का स्पीड जो था वो 11.5 किलोमीटर पर डे था, वो आज 28.5 किलोमीटर पर डे हो गया है। रूरल रोड 3,80,000 किलोमीटर थे जो आज 7,40,000 किलोमीटर। ये केवल रोड तक नहीं है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो रेलवे की 54,000 करोड़ का हमारा बजट था, आज रेल का बजट है 2,60,000 करोड़। हमारी रेल लाइन 1,670 किलोमीटर थी रेलवे का चला है, जो आज 5,250 किलोमीटर। ये सब आंकड़े गवर्नमेंट के आंकड़े हैं जो हमने कर चुके हैं। हमारा शिपिंग का ट्रांसपोर्ट, हमारा इस सब बातों में जो परिवर्तन आया है,
जर्मनी, यूएस, सिंगापुर, इनको भी अपने पीछे छोड़ दिया। हमारा कंटेनर खाली होना लोडिंग या अनलोडिंग में हम इससे आगे चले। एयरपोर्ट की बात करें तो देश में 74 आज है 148। हमारा डबल हो गया 10 साल में। एयरक्राफ्ट 350 काम करते थे, आज 730 एयरक्राफ्ट काम करते हैं। और आज हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी भी हवाई प्लेन में आ जा रहा है। पहले पैसेंजर की संख्या थी 61 मिलियन, आज वो हो गई है 136 मिलियन। तो ये जो परिवर्तन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एनर्जी के सेक्टर में है, इंडस्ट्री के सेक्टर में है, एक्सपोर्ट के सेक्टर में है, हमारे डिफेंस के सेक्टर में है। हमने अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव की, इसलिए मोदी जी जो भी आज बात बोल रहे हैं उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। और हम भाई इंडियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, इसके मन में किसी के मन में डाउट नहीं है। आज हमारे देश का पर मंथली इनकम 2,00,000 करोड़ रुपया हो गया है। और इसके कारण ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। डिजिटल में हमने डिजिटल पेमेंट में पूरे विश्व में हमने क्रांति की है। आज 83 बिलियन लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। ये सब बातें ये सब पार्टी ने बता रहा है कि वी आर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल इकोनॉमी। पूरे विश्व में हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, हमारी साख बढ़ी है और हमारा गौरव भी बढ़ा है। इसके लिए बहुत कोशिश की जा रही है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि उस चीज को वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाया जाए। और जैसे कि शाम जी ने सारे दस सामने रखे, इससे मालूम पड़ता है कि हम लोग वैसे सिर्फ जा रहे हैं। इसी चीज में अगर हम इन्वॉल्व करें फिल्म इंडस्ट्री को, अगर आपने जो सवाल पूछा, दूसरे देशों में जाकर शूट करना वो एक पॉलिसी मैटर है उनका, चाहे उसको आप सब्सिडी के तौर पर देख लीजिए। मैंने भी एक फिल्म शूट की लास्ट ईयर इंग्लैंड में जाकर, वहाँ 30% सब्सिडी है, वो सब सब्सिडी से ठीक है, मगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिल्म इंडस्ट्री के रिक्वायर्ड है वो हमारे देश में कमी है। अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ दो फिल्म सिटीज हैं, एक मुंबई में और एक हैदराबाद में रामोजी फिल्म। जितनी जॉब क्रिएशन लोगों ने सोची नहीं है, अलग अलग एस्पेक्ट जो फिल्म मेकिंग के एंटरटेनमेंट में होते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग हैं। और मेरी शायद इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यही दरख्वास्त है कि क्यों ना हम अपने देश में इस तरह के जो डेवलपमेंट है वो करें, फिल्म इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए ताकि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जो फिल्म सिटी है वो बहुत बड़ी है, जगह बहुत बड़ी है, मगर वो अभी भी ऑर्गेनाइज नहीं है। आप वहाँ पर वैनिटी वैंस या ट्रेलर्स या वैन शुरू के लिए वो खड़ी करने के लिए अभी भी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई बहुत इम्प्रोवाइज तरीके से चीज़ें होती हैं। या अगर आप स्टूडियोज में जाकर देखें तो आज भी जो 50 या 60 साल पुराने 70 साल पुराने स्टूडियोज बने हुए हैं उनमें अगर वो नहीं है तो मेकअप के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ शूट करते हैं, हम लोग देखते हैं आज भी पुराना चला। तो मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्पेशली कीपिंग इन माइंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अगर उसमें तवज्जो और भी ज्यादा है जो कि धीरे धीरे सब्सिडीज का बढ़ रहा है, तो उससे जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज और क्यों ना अपने ही देश में इस तरह के सिस्टम बनाए जैसे नई इंडस्ट्री बन रही है यूपी में कि बाकी देश आकर शुरू कर रहे हैं। भारत में
बाकी देश आकर छूट करे कि वहाँ की जो फैसिलिटी है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो डेवलपमेंट है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वो वर्ल्ड क्लास है। क्यों यूनिवर्सल स्टूडियोज हम उत्तर प्रदेश जाएंगे? तो मैं समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो हमारी इंडस्ट्री के लिए अगर की जाए तो डेफिनेटली वो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है उसमें बहुत ज़्यादा मदद भी करेगी और योगदान भी देगी। फिल्म इंडस्ट्री में हम बाहर जाकर शूट कर रहे हैं उनको तो वापस लाना ही है, और बाहर के देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको को हम कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नमस्कार, सबसे पहले मैं नंदन झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इस तरह के कार्यक्रम का उन्होंने आज आयोजन मुंबई जैसे शहर में किया, क्योंकि इस पे चर्चा होना, आज हम लोग $5 trillion की ओर बढ़ रहे हैं, अपने इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बट जब तक जो प्रॉब्लम्स हैं रूट से हम लोग अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो शायद वो सफलता पाने में थोड़ी समय लगेगी। और भारत देश जो है मैं उसे दो पहलू में देखती हूँ, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। शहर में तो काफ़ी डेवलपमेंट है, हम लोग सब देख रहे हैं, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग डेवलप्ड सिटी में मुंबई में रहते हैं जो आर्थिक राजधानी है, बट गाँव में अभी भी शिक्षा की और बहुत ज़रूरत है। और जैसा महात्मा ज्योति जी ने बोला था, ज्योतिबा जी ने बोला था कि अगर हम किसी एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो वो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, बट अब किसी एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पूरा पूरे परिवार और पूरा समाज शिक्षित होता है। तो पूरे समाज को अगर हमको स्ट्रांग बनाना है तो महिला का सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा जरूर होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो हमारा लक्ष्य है $5 trillion, उसको अगर सक्षम बनाना है तो शहर और गांव को सक्षम बनाना, महिला को सशक्त बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और चैलेंजेस की अगर बात करें तो शिक्षा जो है, आज भी गांव में जाइए, आज भी बेटे और बेटियों में फ़र्क होता है, और मोदी जी जो हमारे विजनरी लीडर हैं उन्होंने इस बात को समझा है, और उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे इसलिए वो इतना जोर दे रहे हैं और इतनी सारी प्लानिंग ला रहे हैं। और आज इंडिया में 48.5% लेडीज़ हैं,
और जिस दिन ये महिला सशक्त हो जाएंगी उस दिन हमारा भारत को कोई नहीं रोक सकता है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। थैंक यू। वेल सेड मैम, डेफिनेटली आया है, डेफिनेटली बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, पर जो ये नया ट्रेंड है इसको आप कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ आवर इकॉनमी? एक वक्त होता था इस तरह का कि जब फिल्में थिएटर में रिलीज होती थी और उसके बाद लोग वेट करते थे कि शायद टीवी पर आएगी किसी तरह से। अब एक बहुत अच्छा माध्यम आ गया है ओटीटी का, जिसकी वजह से फिल्में जो हैं बहुत जल्दी आ जाती हैं और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से उसको कभी भी देख सकते हैं। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, जैसे मैंने भी कुछ सीरीज की है, जो एक करण में जिक्र कर रहे थे, हमने एक सीरीज की थी स्टेट ऑफ स्पीच 26/11 2008 के ताज अटैक्स के बारे में, वो सीरीज थी Z5 के ऊपर है। तो बहुत बार पूछा जाता था कि आपने फिल्में की हैं और अब सीरीज कर रहे हैं, क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, फॉर एन एक्टर फॉर टेक्नीशियंस एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक एग्जीबिशन का माध्यम जो है वो बदल गया। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपने बेडरूम में बैठकर या अपने लिविंग रूम में बैठकर आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो क्योंकि एक माध्यम नया इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे और भी ज़्यादा लोगों को जो है एक रोज़गार प्राप्त हुआ। तो अगर आप बात करें कि वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है, जब एक किसी भी फील्ड में एक नया माध्यम, एक नया मीडियम, एक नया वर्टिकल इंट्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए मैन पावर तो चाहिए होती है। तो जितने भी लोग हैं, जितने आर्टिस्ट या जितने टेक्नीशियंस या जितने भी लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते थे, जो सिर्फ फिल्मों पर या टेलीविज़न पर डिपेंडेंट रहते थे अपने रोज़गार के लिए, उनके लिए एक नया माध्यम खुल गया है जो है ओटीटी, और बहुत ही बड़े स्केल पर, बहुत ही बड़े लेवल पर। एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं बोल पाऊँगा कि कितने शोज़ या कितने ओटीटी चैनल्स हैं हमारी कंट्री में, मगर इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने जो है हमारी एक जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करने के लिए एक नया वर्टिकल बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है। और मैं तो एक आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का एक पुराना इंटरव्यू था सर, उसमें हालांकि ये थोड़ी सी पॉलिटिकल चीज़ें, उन्होंने उनसे एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आप सोचते हैं कि किसी वक्त पर, जब ये वो बात हुई थी कि शिवसेना इलेक्शन जीतेगी, तो बाला साहब ठाकरे जी का बहुत अच्छा जवाब था, बोले मैं सोचता नहीं हूँ, आप विश करिए कि हम जीतें। तो इसी तरह से मैं ये कहूँगा कि कोई भी अगर इस चीज़ पर सवाल उठाए कि भाई क्या भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है या विश्व में वो शक्ति बन सकता है, तो उनसे हमेशा यही कहिए कि आप विश कीजिए कि जल्दी से जल्दी बन जाए, बजाय कि ये डाउट माइंड में रखने। Fantastic. समय कम होने के कारण लास्ट क्वेश्चन टू यू मीरा, आपने भी ओटीटी में एक फिल्म की है सफेद, जिसके लिए आपको बहुत सारा प्यार दिया जा रहा है, डायरेक्टेड बाय संदीप सिंह, स्ट्रीमिंग ऑन Z5 इफ आई नॉट रॉन्ग। क्या ये चैलेंज भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेंट बहुत ज़्यादा बन रहा है तो जो बॉक्स ऑफिस है उस पर भी इफेक्ट होता है, बिकॉज पीपल आर नाउ स्पॉइल्ड फॉर चॉइस? जेन्युइनली लगता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, वी शुड एक्सेप्ट इट विद अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंड। एनीबडी हु हैज गॉन अगेंस्ट टेक्नोलॉजी हैज ओनली लैग बिहाइंड इन लाइफ, दैट आई ऑलवेज एग्री। ओटीटी लोग, हाँ लोग बोलते हैं ओटीटी आ गया, सिनेमा बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं बढ़ता। आई थिंक हर एक सिनेमा की, हर एक माध्यम की एक अपनी ऑडियंस है। They both will keep thriving in the content space. OTT एक thought provoking, more experimental, more meaningful content बनाती रहेगी, और cinema अब जो cinema हम देख रहे हैं, theaters and cinema will be more for you experiential, larger than life content, जैसे बाहुबली, RRR, पठान, and you know 500 crores, 1000 has become a normal cinema, वो एक norm आ गया। ओटीटी ने प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत सारा करना शुरू कर दिया, सो आई थिंक दे बोथ विल कीप थ्राइविंग इन देयर ओन स्पेस। और मुझे लग रहा है कि हम बोलते हैं ना कि समुद्र मंथन का टाइम चल रहा है, आई थिंक ये वो वाला टाइम चल रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है कि कौन आगे जाएगा और कौन क्या करेगा। बट मुझे लग रहा है उस समुद्र मंथन में दोनों थ्राइव करेंगे, दोनों स्ट्राइव करेंगे, दोनों की अपनी ऑडियंस बन जाएगी, इससे और लोगों को काम मिलेगा। जब एक ओटीटी शो बनता है तो उसमें हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है कम से कम, सो
So, you know, it's very, I think it's very good for the entire industry and our economy. अभी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, अब तो फोन से हमें पिक्चर देखने को मिल जाएगी. सो दिस इज टेक्नोलॉजी व्हिच इज ओनली ग्रोइंग एंड वी शुड जस्ट एक्सेप्ट इट बिकॉज़ इट विल इवेंचुअली क्रिएट लार्जर जॉब्स एंड इट विल इवेंचुअली क्रिएट आवर इकोनॉमी. सब कुछ ट्राई करेगा, कुछ नहीं मरेगा. दैट्स व्हाट आई Fantastic, so well said, Meera. And on this note, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी मेहमानों के लिए. आप सबने अपना पक्ष रखा. मैं आप सबसे उम्र में छोटा भी हूँ और मैंने आपसे सीखा और आपने आवाज उठाई, तो क्योंकि नहीं उठेगी आवाज तो कैसे आएगा बदलाव. तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. मैं रिक्वेस्ट करूंगा नंदन सर से और श्याम जी से कि वो स्टेज पर आए और आपको फेलिसिटेट करें. नंदन जी, कैन यू प्लीज हैव यू ऑन स्टेज. I would like to request Sri Shankar Agarwal ji and Advocate Vivek Prasad Raj ji to please. We would like to felicitate Mr. Arjun Bajwa, Indian film actor. अरे बहुत सारा पैनल है इसलिए छोटे छोटे पैनल. टाइम भी नहीं ना, फिर ब्रेक लेगा, फिर 4:30 बजे रेड कार्ड पे है. Come on everyone, give a huge round of applause. Now we would like to felicitate Ms. Meera Chopra, Indian film actress. Thank you so much Meera for coming and taking your time out. अरे यार सही में यार, देखो कुछ दिख रहा है आ, क्या मतलब है इतना बड़ा ऊपर डाल दिया. ये लोग ही पूरा छेद दिए. थैंक यू मिस्टर श्याम राज जी फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन विद योर प्रेजेंस. May I now request Dr. Neha Jagtiani to please step forward. Thank you so much for taking out time from your busy schedule. Last but not the least, thank you so much. Last but not the least, we have Mrs. Seema Singh. Thank you so much, Seema ma'am, for coming and taking out your time for us. How can I forget my co-host and the moderator, Mr. Karan Chhabra? Round of applause for Karan Chhabra. Thank you so much, Karan. I would request Mr. Nandan ji to please come on stage for a picture with them.